हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। और आज आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट इज कोणार्क सन टेम्पल, जिसकी इमेज आप पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ महीने पहले एक न्यूज आई थी, वो क्या थी उसे देखेंगे। इसके अलावा कोणार्क सन टेम्पल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको यहाँ बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज 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 इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोणार्क सन टेम्पल से रिलेटेड जो न्यूज है वो ये है कि रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्लान अप किया टू रन द कोणार्क सन टेम्पल कंप्लीटली ऑन द सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी पे ये कंप्लीटली रन होने वाला पहला यहाँ पे टेम्पल जो है वो बन जाएगा उड़ीसा का, ठीक है। यहाँ पे 10 मेगावाट तक के ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स जो है वो लगाए जाएंगे, जो कि 100% सोलर सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान किया जाएगा। मतलब कि केंद्र जो है यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। तो केंद्र यहाँ कितना पैसा लगा रही है, तो केंद्र अप्रोक्स यहाँ पे 25 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है प्रदान करेगी उड़ीसा गवर्नमेंट को, और ये मिलेगा थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। है ना बढ़िया सी बात। अब ये सूर्य की नगरी है तो कहीं ना कहीं सूर्य भगवान की ही हेल्प ले लेते हैं इस चीज में, है ना, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं अब सोलर्स को लेकर अगर रिन्यूएबल एनर्जी की मैं बात करूं यहाँ पे, तो सोलर जो है एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं फ्यूचर में हमारे लिए एनर्जी हेल्प बन सकती है, है ना। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ये फर्स्ट मॉडल टाउन रहेगा आपका उड़ीसा का, जो कि ग्रिड डिपेंडेंसी से किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, ग्रीन एनर्जी में। किसी भी जो हम कोयला वाटर, ठीक है, तो ये सबसे जो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होती है, तो उससे अब हम शिफ्ट कहाँ पे हो जाएंगे, ग्रीन एनर्जी की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर मैं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करूं, यहाँ पे इस लाइन पे ध्यान मत दीजिएगा, अगर मैं यहाँ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करूं तो इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा उड़ीसा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ओरेडा के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल की कुछ बात करूं तो ये 13th century CE में बनाया गया एक टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है टू द सन गॉड, जिसे हम सूर्य भगवान कहते हैं, तो उन्हें ये डेडिकेटेड है। ये सिचुएटेड है उड़ीसा के कोस्ट लाइन में, मतलब एट कोणार्क, जगह का नाम कोणार्क है, जो कि उड़ीसा के आप कह सकते हैं कि बॉर्डर में आता है ना, जस्ट समुद्री तट के बाजू में ही है जहाँ पे इसे बनाया गया। ये बिल्ड किया गया नरसिम्ह देव वन के द्वारा, जो कि गंग डायनेस्टी के एक राजा थे, ठीक है, जिसे बनाया गया 1250 BC में। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। कोणार्क सन टेम्पल से रिलेटेड बहुत सी मिस्ट्रीज हैं, बहुत सी राज हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अगर मैं इस नाम को ही तोड़ू, कोणार्क को, तो ये दो संस्कृत वर्ड से बना हुआ है। सबसे पहला है कोण, कोण मतलब होता है एंगल, और अर्क का मतलब होता है सन, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो शब्द आता है वो आता है कोणार्क। इसके अलावा अगर टेम्पल की बात की जाए तो टेम्पल जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा रथ आप कह सकते हैं, चैरियट, जायंट स्टोन चैरियट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 24 व्हील्स हैं और 7 हॉर्सेस हैं, जिनका अपने आप में महत्व है। जैसे अगर मैं बात करूँ 24 व्हील्स, तो ये 12 पेयर्स में है, जो कि कई लोग कहते हैं कि इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो ये 12 राशि जो है जोडियक साइंस जो होती है उन्हें रिजेंबल करता है, या फिर ये 12 महीनों को रिजेंबल करता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग थ्योरी देते हैं। इसके अलावा जो 7 हॉर्सेज हैं, कि जब भी आप सूर्य भगवान को देखोगे तो यू विल फाइंड कि वो एक चैरियट में, वो एक रथ पर बैठ के आते हैं और सामने में 7 घोड़े लगे हुए हैं। तो जो 7 हॉर्सेस हैं वो विबग्योर रेनबो के जो 7 कलर्स होते हैं उसे वो डिपिक्ट करता है। एक समय पे जो कोणार्क सन टेम्पल था उसकी जो हाइट थी वो 200 फीट, मतलब अप्रॉक्स 61 मीटर्स, या फिर उसके अबव भी आप कह सकते हो। लेकिन बहुत से यहाँ पे बाहर के इन्वेडर्स आए, पोर्चुगीज आए, जिन्होंने इस मंदिर को बहुत ज्यादा विध्वंस कर दिया, पूरी तरह से तोड़ दिया, और कहीं ना कहीं इसका बहुत सारा पार्ट आज रुइन हो चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अगर मैं कोणार्क सन टेम्पल के आर्किटेक्चर की बात करूं तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, कलिंग या फिर उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है इसके थ्रू ही इस कोणार्क सन टेम्पल को बनाया गया है, जो कि कहीं ना कहीं नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के ही अंतर्गत आता है। तो ये आर्किटेक्चर में क्या चीजें प्रमुख होती हैं इसको आगे हम अभी देखेंगे। इसके अलावा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्टिंग में इसे डाला गया इन 1984। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि कोणार्क सन टेम्पल जो है
ये यूनेस्को की भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर पिलग्रिमेज साइट्स है फॉर हिंदूज, ये भी कह सकते हैं। साथ ही चंद्रभाग मेला जो कि फरवरी में आता है, तो इस मेले को भी जनरली आप कह सकते हो कि हर साल ये कोणार्क में ही भरता है। तो ये दो बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं यहाँ इस टेम्पल की बात करूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टेम्पल में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो है आपका विमान, मतलब मेन जहाँ सैंक्टम रहेंगे जहाँ पे डेइटी को बैठाया जाता है ना, जो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, तो वो कहलाता है आपका विमान, तो वो इस एरिया में है। इसके बाद में जगमोहन, जिसे आप असेंबली हॉल कह सकते हो, जिस हॉल में आप जाएंगे और वहाँ से आप दूर से डेइटी को देख सकते हैं, उस मूर्ति को देख सकते हैं, तो उस जगह को असेंबली हॉल या जगमोहन कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे नाट मंदिर, मतलब एक फेस्टिवल हॉल है जहाँ पे डांसिंग होगी, अगर आपको थोड़ा सा कुछ भी इवेंट करने हैं उसके लिए ये प्लेस है। और एक भोग मंडप है जो कि ऑफरिंग का हॉल माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ बेसिक चीजें जो कि एक नागर स्टाइल या कलिंग आर्किटेक्चर जिसे हम कहते हैं, तो उसके ये मेन पार्ट्स माने जाते हैं, और इसी स्टाइल में कोणार्क सन टेंपल को डेवलप किया गया है। अगर कोणार्क की बात करें तो ये उड़ीसा के गोल्डन ट्रायंगल की थर्ड लिंक भी बनाता है, जिसमें फर्स्ट लिंक है जगन्नाथपुरी और दूसरी लिंक में आता है भुवनेश्वर सिटी और तीसरे लिंक में आएगा आपका कोणार्क, जो कि मिलके आपका उड़ीसा ट्रायंगल जो है गोल्डन ट्रायंगल वो बनाते हैं। साथ ही हमारा जो 10 रुपए का नोट है उसके ऊपर में भी जो मोटिफ होती है वो कोणार्क सन टेम्पल की ही होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कोणार्क सन टेम्पल के। एक और महत्वपूर्ण और बहुत ही मजेदार चीज आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, वो ये है कि जब आप एंट्रेंस को देखेंगे, कोणार्क सन टेम्पल की एंट्रेंस को देखोगे, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे आपको एक लायन दिखेगा, दोनों साइड में एक एक लायन है, लायन के नीचे एक एलिफेंट है और एलिफेंट के नीचे में इंसान है, ह्यूमन बींग्स है। तो ये क्या डिपिक्ट करता है? तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो यू विल फाइंड कि जो लायन है, ये जो शेर बनाए गए हैं, ये डिपिक्ट करता है प्राइड को, अभिमान को, घमंड को। एलिफेंट जो होता है ये डिपिक्ट करता है वेल्थ को, पैसे को। और ये जो इमेज है ये बता रही है कि ये जो इंसान है वो प्राइड और वेल्थ इन दोनों के बीच में दब कर मर जाता है, ठीक है। तो इसलिए ना ही हमें कभी अभिमानी होना चाहिए, और पैसे का अभिमान जो है वो तो सबसे बेकार होता है, जो कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। और इसके ही नीचे आकर जो इंसान है वो मर जाता है, दब जाता है ऐसे, ठीक है। और इस तरह के व्हील्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि टोटल आपके 24 है। इसके अलावा कोणार्क सन टेम्पल को यहाँ पे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। ब्लैक पगोड़ा यहाँ पे यूरोपियन सेलर्स के द्वारा जनरली कहा जाता था, 1676 में जो यूरोपियन सेलर्स आते थे, है ना, पोर्चुगीज आए जैसे कि यहाँ पे, उसके बाद में और भी बहुत सारे यूरोपियंस आए यहाँ पे, तो उनके द्वारा ब्लैक पगोड़ा नाम जो है यहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल को दिया गया। इसका रीजन ये है कि जब वो दूर से देखते थे, सेलिंग करते समय जब वो दूर से देखते थे, तो ये मंदिर का जो टावर है वो उन्हें ब्लैक कलर का दिखता था। इसके रीजन्स क्या थे? ऐसे तो रीजन्स बहुत सारे थे, एक ये माना भी जाता है कि इसी टेंपल के अगर आप टॉप में देखोगे, अगर मैं इस टेंपल की बात करूं, तो इसके आर्किटेक्चर में एक यूनिक चीज ये कही जाती है कि हर दो ईंट के बीच में, कि जो भी पत्थर यहां बनाए गए, स्टोन बनाए गए, उनके बीच में आयरन मेटल को डाला गया, ये चीज, ठीक है। और इसी मंदिर के टॉप में आपको 52 टन का मैग्नेट मिलेगा, जो कि ये सारे सेलर्स के शिप को क्या करता था, अट्रैक्ट करता था अपने तरफ, ठीक है, ये चीज, क्योंकि भैया 52 टन मैग्नेट मतलब बहुत बड़ी चीज होती है, तो कहीं ना कहीं एक यूनिक स्टाइल में इसे बनाया गया था। अब आपके लिए एक प्रश्न ये है कि व्हाइट पगोड़ा किस मंदिर को कहा जाता है, ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये चीज क्या है। इसके अलावा यही टेंपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता था सारे सेलर्स के लिए, जो कि बे ऑफ बंगाल के थ्रू जाते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे कोणार्क सन टेंपल के ऊपर में। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।